मध्य प्रदेश सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की मध्य प्रदेश की इकाई की एक बड़ी कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल और आप देख रहे हैं मनासा क्षेत्र का प्रथम MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की विशेष बड़ी खबर। समीपस्थ राज्य राजस्थान के बूंदी जिले में मध्य प्रदेश सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की मध्य प्रदेश इकाई के अधिकारियों ने विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर बड़ी कार्यवाही की है। नारकोटिक्स अधिकारियों ने यहां एक खेत में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। प्राप्त जानकारी, बूंदी जिले की तहसील हिंदोली के ग्राम लुहारिया में स्थित एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। इसकी सूचना मध्य प्रदेश सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की मध्य प्रदेश इकाई के अधिकारियों को मिली। सूचना के आधार पर नारकोटिक्स विंग के अधिकारियों ने गांव में दबिश दी, मौके पर पहुंचकर कार्यवाही को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपने खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर 20 मार्च को सुबह ग्राम लुहारिया में संदिग्ध खेत पर छापेमार कार्यवाही की गई। कार्यवाही में सामने आया कि करीब 673 वर्ग मीटर में उक्त व्यक्ति ने अवैध अफीम उगा रखी है। इस पर रोटावेटर की मदद से धारा 48 के तहत अफीम के पौधे को नष्ट कराया गया। आगे की कार्यवाही की जा रही है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।